नमस्कार। भारतीय विद्या भवन इंफोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम की 69वीं कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी दर्शक महानुभाव इस बात से अवगत हैं कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा उन युवा प्रतिभाओं को, उन कलाकारों को स्थान देते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा यंग तरंग दो कार्यक्रम जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके अंदर जयपुर के पास एक छोटे से गांव वाटिका में रहने वाले एक युवा शास्त्रीय संगीत गायक इस कड़ी में आपसे रूबरू हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत बजाना हो या गाना हो, आमतौर पर युवाओं को कम आकृष्ट करता है, लेकिन अभी भी जब मैं विक्रम को देखता हूँ, जो आज के कलाकार हैं हमारे, और इनके युवा साथियों को, एकम्पनिस्ट को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत से युवा साथी मन की शांति चाहने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, अपनी परंपराओं को जीवित रखे जाने के लिए इस दिशा में अग्रसर हैं। मेरा आप सभी दर्शक महानुभावों से पुनः और पुनः अनुरोध है कि आप हमेशा की भांति हमारे इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोगों के होने से हमें हौसला रहता है। स्वागत की इस परंपरा में मैं स्वागत करता हूं इंफोसिस फाउंडेशन की सुश्री सुधा मूर्ति जी का। राजस्थान के पूरे कलाकार समुदाय की ओर से मैं सुधा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भारतीय विद्या भवन के चेयरमैन श्री वीसी सुराना साहब का, इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन सुश्री आशा जी ओलचा का, और भारतीय विद्या भवन जयपुर केंद्र के डायरेक्टर कैप्टन बीसी कुमावत साहब का, कि आपकी निगहबानी में, आपकी प्रोत्साहन की नीति से यह कार्यक्रम निर्बाध रूप से मैं आप दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहता हूं। तो आज के इस शास्त्रीय गायन में सबसे पहले विक्रम श्रीवास्तव आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ताल विलंबित में बड़ा ख्याल। शास्त्रीय संगीत का बहुत पुराना गायकी का तरीका है बड़ा ख्याल, और ये बड़ा ख्याल श्याम सुंदर मेरे घर आए, इस ख्याल के बोल हैं। उसके बाद ये छोटे ख्याल में तब्दील होता जा रहा है, और उसके अंदर बोल आ जाएंगे नेक चाल चलिए। आप देखिए, इन दोनों चीज़ों का आनंद लीजिए, शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में क्या साम्यता है, क्या समानता है, ये भी आज के कलाकार इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो आइए पहले सुनते हैं बड़ा ख्याल, श्याम सुंदर मेरे घर आए।
श्याम सुंदर घर आ
सोदर घर हे सोदर घर आए सोदर घर आए घर आए सोदर घर आए सोदर घर आए देख के निज दोषों को दूर
मध्य लय में तीन ताल में गाया हुआ नेक चाल चलिए, ये छोटा ख्याल का बहुत ही बेहतरीन रूप आज के इस युवा कलाकार ने हमारे सामने पेश किया। मेरे मन में अक्सर ये जिज्ञासा रहती थी, जो अब भी है, कि ये जो हमारा लोक संगीत है, ये जो हमारा लोक गीत है, जिसको गांव में अनपढ़ लोग, माताएं, बहनें सब गाते रहते हैं, इसकी धुनें किसने बनाई होंगी, इसका संगीत किसने बनाया होगा,
शब्द रचना किसने की होगी। आज जब बात कर रहा था मैं आज के इस युवा होनहार कलाकार से, तो कलाकार ने बताया कि ये जो शास्त्रीय संगीत में राग देश है, उस राग देश से जगह जगह का लोक संगीत भी तैयार हुआ है, नोइंगली अननोइंगली। लोगों को पता नहीं हम क्या गा रहे हैं, इसका मूल स्वरूप क्या है, लेकिन विक्रम का यह कहना है कि जितना भी लोक संगीत है वो कमोबेश कहीं ना कहीं शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत और गायकी से प्रभावित है। चलिए इसी कड़ी में आजकल राजस्थान का एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आप लोगों ने भी बहुत जगहों पर सुना होगा और बहुत सारे गायकों ने उसे गाया है, तो अपनी इस बात को साबित करता हुआ कि शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत से ही लोक गीत और संगीत निकलता है, इस बात को साबित करता हुआ एक ये गीत हमारे ये कलाकार आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपने बहुत सुना होगा, तो आइए पहले आनंद लेते हैं इस गीत का, चौधरी। छुपना जाओ जी उमड़ दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो उमड़ सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले उड़ पंगा जी मैं कह लगी, हे हिबड़े में जागी तो खड़ी रे चंद में थारी चांदनी मरदा दामन में बांधी कुसीर झूम 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 बाजू, सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले उड़ पंगा जी मैं कह लगी, रे हिबड़े में जागी तो कड़ी रे चंद में थारी चांदनी मर दामन में बागी खुशी झूम 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 झूम, हिबड़े में जागी तो कड़ी रे चंद में थारी चांदनी मर दामन में बागी खुशी
सुंदर गाया भाई विक्रम ने। और फिर स्मरण होता है कि राग ताल गीत संगीत का उद्गम कहीं से भी और कैसा भी हो, लेकिन वो हमारे लोक मानस में कितनी खूबसूरती से समाहित हो जाता है। इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। राजस्थान की पहचान है हमारे अपने मांड से, और मांड की पहचान है, मांड बहुत सारे गीतों में गाया जाता रहा है, यानी बहुत सारे गीतों की बंदिश मांड पर की जाती रही है, लेकिन जो राजस्थान की पहचान है और जो मांड की पहचान है वो है पधारो म्हारे देश। हमारे इस कार्यक्रम में भी अनेकों बार अनेकों कलाकारों ने इस गीत को, इस मांड को गाया है, लेकिन एक क्लासिकल सिंगर जब मांड को गा रहा है, जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से लोक गीत और संगीत की परिभाषा में आता है, वो अपने अंदाज में इस लोकल फोक गायकी को कैसे गाता है और कैसे देखता है, ये भी देखने की बात है। और यहाँ मैं भी एक बात आपको बता दूं कि मांड राजस्थान की जो ये 5-6 आंचल हैं हमारे, शेखावाटी आंचल अलग है, मारवाड़ आंचल अलग है, मेवाड़ आंचल अलग है, ढूंढाड़ आंचल अलग है, हर एक के गायकी में मांड में बहुत अंतर है। इसीलिए मैं भी ये हिम्मत कर पा रहा हूँ कि वो मांड जो राजस्थान के अंदर एक राग और गीत होते हुए अनेकों तरीकों से गाया जा रहा है, उसको एक शास्त्रीय संगीत गाने वाला होनहार व्यक्ति कैसे प्रस्तुत करता है और कैसे लेता है। तो आइए सुनते हैं पधारो म्हारे देश। तो जो ये मांड में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि आधार किसी भी संगीत की विधा का आधार शास्त्रीय संगीत है। हमारा जो फोक भी है, या आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ पे कजरी गाई जाती है, ठुमरी है, चैती है, तो वहाँ की अलग फोक है, तो निकला सब यहीं से ही है। तो और जो ये जो बहुत ही पॉपुलर कॉम्पोजिशन है पधारो म्हारे देश, जब भी राजस्थान में कोई अतिथिगण हमारे आते हैं तो पधारो म्हारे देश सबसे पहले यहाँ पे गाया जाता है हमारे यहाँ, तो वही मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और क्लासिकल से भी ये निकला हुआ है, कई कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब शास्त्रीय संगीत से हम उप शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ते हैं तो कई रागों के कॉम्बिनेशंस जुड़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी चौधरी भी प्रस्तुत किया तो उसमें भी देशकार भोपाली का हल्का सा एक कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली बेस नहीं है। ठुमरी में भी राग की शुद्धता का कहीं हम लोग वर्णन नहीं करते हैं, वो कभी भैरवी से भी कौशिक ध्वनि में भी जाके फिर मारवा में आके फिर भैरवी में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं उप शास्त्रीय संगीत में ये जो है आता है। तो पधारो म्हारे देश जो है मैं पेश करने जा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आ
सोने री धरती जटे चांदी रो समान, सोने री धरती रो जटे चांदी रो समान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस था। केसरिया बालों में आओने पधारो मारे देश रे, केसरिया साजन साजन में करो रे तो रे, साजन जीवन घड़ी साजन सुरीला सफ़र और ये कारवां यूं ही चलता रहे मेरी हमेशा की ये तमन्ना रही है, और आप सब लोगों का साथ और इन नए होनहारों का साथ हमारे साथ में यूं ही चलता रहे और बना रहे ये हमेशा की मेरी मंगल कामना रही है। किंतु समय की अपनी सीमा है, लिहाजा अब ये सफ़र यहाँ एक बार हमें अल्प विराम देने को इशारा कर रहा है, तो मैं इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अल्प विराम लगाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। आगे पुनः आपसे भेंट होती है इस सुरीले सफ़र में, आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहिए। जाते जाते पुनः एक बार आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जाते हुए यद्यपि कोरोना हमें लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते हुए अधिक सावधानी रखी जाए।
मेरी आप सभी लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना है। ईश्वर आपके जीवन में सदैव मंगल और आनंद रखे, इसी मंगल कामना के साथ में नमस्कार।